अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दम बिरयानी की रेसिपी, जो कि झटपट बन जाती है और हम इसमें यूज करेंगे डिब्बे का मसाला। एक स्पेशल रेसिपी है जो कि बहुत ही मजेदार बनती है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मजेदार सी दम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। दम बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पॉट ले लेंगे और पॉट में डालेंगे कुकिंग ऑयल। मैंने एक किलो की थैली ली थी, आधी में डाल दूंगी और आधी को बचा लूंगी। ये देखिए मैंने आधी को बचा लिया है। फ्लेम ऑन कर देंगे, कुकिंग ऑयल को गर्म होने देंगे और ये देखिए कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। चार बड़े साइज की प्याज हमने स्लाइसिस में कट कर दिए थे इस तरह से। अब हम इसमें एड कर देंगे। एड करने के बाद इन प्याजों को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसमें एड कर रहे हैं चिकन। अगर आप चाहें तो मटन भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने 2 किलो के बराबर लिया और चिकन से वॉश करके इसको स्टैंडर्ड में डाल के रख दिया था। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए चिकन में। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और चिकन ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन क्रश किया हुआ 4 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के साथ चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे 4 से 5 मिनट तक। और ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके, मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करी टमाटर कटे हुए 3 पाव के करीब, मैंने रफी शेप में कट कर लिया था। इसी में मिक्स कर देंगे इस तरह से। और यहाँ हम यूज कर रहे हैं स्पेशल बम्मी बिरयानी मसाला। मैं 2 किलो बिरयानी बना रही हूँ, इसी वजह से मैं 2 डिब्बे यूज कर रही हूँ। अगर आप 1 किलो बनाए तो आप 1 डिब्बा यूज करें, अगर 2 किलो बनाए तो 2 डिब्बे यूज करें। अब हम ये ऐड कर देंगे। बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे जीरा 2 टेबल स्पून के बराबर। इसी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद मैंने 1 पाव दही ले लिया है। दही को अच्छी तरह से बीट कर लिया है इस तरह से। ये भी ऐड कर देंगे मसाले में, पानी का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। अब हम ऐड करें नमक 1 टेबल स्पून के बराबर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके बाद ऐड करूं बादियान के फूल 8 से 12 अदद, तेज पात 5 से 6 अदद। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ आलू बुखारे 1 प्याली करीब लिया। मैंने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया था क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, उसे मैंने भिगो के रख दिया था। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम कवर कर देंगे, फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से हम कुक करेंगे कवर देके। और देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, चिकन में भी पानी छोड़ दिया है, टमाटर में और दही में भी। इसे मिक्स कर देंगे और ये जितना पानी बच चुका है इसे 5 फ्लेम पे ड्राई कर देंगे। देखिए पानी को मैंने ड्राई कर दिया। इसके बाद मैंने ग्रीन चिली एड कर दी है 4 से 5 अदद। कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, कवर करके इसे साइड पे रख देंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। अब हम चावल बॉईल करेंगे। चावल बॉईल करने के लिए मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया। पतीले में मैंने डाल दिया खुला पानी, यानी कि ज्यादा पानी का यूज किया। जब भी आप चावल बॉईल करें तो ज्यादा पानी का यूज करें, इस तरह से चावल खिले खिले बनते हैं। पानी ऐड करने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ 2.5 टेबल स्पून के बराबर नमक। नमक ऐड करने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर। अब मैं डाल रही हूँ सिरका 1 टेबल स्पून। सिरका चावलों को जोड़ने नहीं देता, इसको मिक्स कर देंगे और कवर कर देंगे और बॉईल आने का वेट करेंगे। फ्लेम हमने हाई रखी हुई है, कवर हटा देंगे। देखिए पानी को बॉईल आ चुका है। अब इसमें डाल दूंगी चावल, ये 2 किलो के बराबर चावल है। मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था इसे और 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अगर आप चाहें तो 2 घंटे के लिए भिगो के रख सकते हैं। इन्हें मिक्स कर देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। हमें हाफ कुक करना है, फुली कुक नहीं करना क्योंकि ये दम भी कुक होंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं। और ये देखिए ये हाफ कुक हुए हैं, फुली कुक नहीं हुए। चावलों का पानी हम ड्रेन कर लेंगे और ये देखिए मैंने चावलों का पानी ड्रेन कर लिया है। अब चावलों की हम लेयरिंग करेंगे। चावलों के लेयरिंग के लिए हमें चाहिए वो पुदीना, पुदीना 1 गड्डी के बराबर मैंने लिए है। 2 टमाटर राउंड शेप में कट किए हुए, कोरमा आपके सामने मैंने तैयार किया था। और हमें चाहिए होगा एक बड़ा सा पतीला, ये वही पतीला जिसे मैंने चावल बॉईल किए थे। अब सबसे पहले लेयरिंग करेंगे कोरमे की इस तरह से। और
उसके बाद चावलों की लेयरिंग करेंगे जो हमने बॉइल करके रखे हुए थे, फिर से कोरमे की लेयरिंग करेंगे, पुदीने की लेयरिंग करेंगे इस तरह से, टमाटर रखेंगे और फिर से चावलों की लेयरिंग करेंगे। देखिए चावलों का दाना एक एक खिला खिला हुआ लग रहा है। फिर से कोरमे की लेयरिंग करेंगे, पुदीना डालेंगे इस तरह से, टमाटर इसी तरह से डालेंगे, वही प्रोसेस होता है जो हम हर बिरयानी में यूज करते हैं लेयरिंग के लिए। और कलर ऐड कर देंगे, खुशबू के लिए यूज करेंगे कहवा एसिन 1 टेबल स्पून। एक तवा ले लेंगे, तवे के ऊपर रख देंगे बिरयानी का पतीला। सबसे पहले हम हाई फ्लेम रखेंगे, इस तरह से कपड़ा ले लेंगे और कपड़े से इस तरह कवर कर देंगे और एक भाई सा बर्तन रख लेंगे ताकि स्टीम बाहर को ना निकले। सबसे पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे दम देंगे, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे, 20 मिनट के लिए दम देंगे टोटल। और यहां देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा देंगे। देखिए आप अंदाजा लगा सकेंगे कितनी जबरदस्त सी बिरयानी तैयार हुई है, बहुत ही मजेदार ये तैयार होके आप लाद में ट्राई कीजिएगा। खुशबू भी कमाल की आ रही है, मैं अभी आपको डिश आउट करके बताती हूँ कितने मजेदार ये तैयार हुई है। इस ईद पे आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, जो भी खाएगा और आपसे लाजमी रेसिपी पूछेगा कि किस तरह बनाई है। अब हम डिश आउट करेंगे, ये देखिए मैंने एक प्लेट ले ली है, प्लेट की मदद से डिश आउट करेंगे। बहुत बड़े प्लेटर में मैं डिश आउट कर रही हूँ, बहुत ही मजेदार थी, बहुत ही यम्मी थी दम बिरयानी तैयार है। इस ईद पे आप बनाएं और सबको खुश कर दें। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी, आई होप तो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।